ॐ सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम। हरि ओम तत्सत। मैं योग गुरु स्वामी रंजन अपना मुंगेर का वेब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना मुंगेर वेब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी को भी बजा दें ताकि आपको योग से रिलेटेड मुंगेर से जो भी खबरें हो वह आपको सतत प्राप्त हो। आज का योग है, जिस व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता हो उसे कौन सा आसन करना चाहिए। आज के इस योग में, आज के इस भागदौड़ में, कोरोना की इस महामारी में व्यक्ति क्रोधित होता है, इसके लिए आपको एक आसन करना है। उस आसन का नाम है शशांक आसन। तो शशांक आसन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में इस तरह से बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को घुटने पर रखते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, मेरुदंड सीधा। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे करते हैं, किन्हीं धीरे से ढीला करते हैं, ललाट जमीन पर टच करते हैं। अपनी क्षमता अनुसार यहाँ कुछ देर 20 से 30 सेकंड तक रुकना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पुनः इसी क्रिया को एक बार फिर करेंगे। इस आसन का नाम है शशांक आसन। एक बार पुनः देखिए, वज्रासन की स्थिति में बैठ करके दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर नीचे करते हैं, ललाट जमीन से टच करते हैं, कहनी को ढीला छोड़ते हैं। और इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रुके रहना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। तो यह अभ्यास था शशांक आसन। जिस व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता हो ऐसे व्यक्तियों को वज्रासन में बैठ करके 5 से 10 राउंड शशांक आसन करना चाहिए। और जब गर्दन आप नीचे करते हैं तो इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप एक सौम्य व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। क्रोध आपके मस्तिष्क से गायब हो जाएगा और मन शीतल होगा। करें योग, रहें निरोग। हरिओम तत्सत। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।